इस बाल भवन में बांधों और पुलों के नमूनों पर काम करने वाले ये बच्चे अपनी तांत्रिक योग्यता का विकास कर रहे हैं। ये बच्चे आर्थिक प्रगति के निर्माता हैं। स्वर्गस्थ नाट्य गृह प्रधानमंत्री के सम्मान में एक खास कार्यक्रम पेश कर रहा है। युराल क्षेत्र के इन लोक नृत्यों का रंग खूब जमा। यह है एक लोकप्रिय कथक नृत्य। पश्चिम की ओर 1500 मील दूर श्री नेहरू रूस के दूसरे सबसे बड़े नगर लेनिनग्राद में पधारे। यहां भी लोगों ने प्रधानमंत्री की कार को घेर कर श्रद्धा की वर्षा की। लेनिनग्राद कभी रूस की राजधानी था। पेट्रोग्राद कहलाने वाला ये नगर पीटर महान ने बसाया था, जिनके अनेक स्मारक इस नगर में हैं। श्री नेहरू समय निकालकर प्रसिद्ध हर्मिटेज संग्रहालय देखने आए। संसार के सर्वोत्तम कला भंडारों में इसकी गिनती है। मुगल और राजपूत शैली के चित्रों से भरपूर इसका भारतीय विभाग रूस और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री लेनिनग्राद में स्टालिन मेटल वर्क्स को देखने आए। यहाँ विद्युत यंत्रों को चलाने वाली बड़ी बड़ी जलचक्कियां तैयार की जाती हैं। हर महीने या 30 जलचक्कियां तैयार होती हैं। नेवा नदी के किनारे किनारे श्री नेहरू दूसरा बाल भवन देखने चले। एक बार और श्री नेहरू को सदस्यता का रुमाल भेंट किया गया। अब श्री नेहरू रूस भर के बालचर दलों से मिल लिए। बच्चों ने उनके मनोरंजन के लिए परंपरागत नृत्यों का एक कार्यक्रम पेश किया। नगर में श्री नेहरू का एक आखिरी कार्यक्रम था पीटर महान के महल का दौरा। यह एक ऐतिहासिक नगर है। ज़ार शाही के पतन के बाद
रूसी क्रांति के नेता लेनिन ने अक्टूबर क्रांति के दिनों में इसे अपना प्रधान केंद्र बनाया था। ये नगर उन्हीं के नाम पर है। राजधानी मॉस्को को वापसी। श्री नेहरू लेनिनग्राद से रेल में पहुंचे। लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। विशाल रूस का घर घर उनका नाम जान गया है। यात्रा के अंतिम दिनों में वे मॉस्को में बहुत व्यस्त रहे। सोवियत काया होटल में एक शानदार स्वागत समारोह के मेजबान श्री नेहरू। प्रेसिडेंट वोरोशिलोव सहित 500 मेहमान शामिल हुए। भारत और रूस की आपसी दोस्ती के कई जाम पिए गए। श्री नेहरू ने खास तौर पर भारत से विमान द्वारा मंगाए गए आम मेहमानों को खुद परोसे। कई लोग आम के प्रेमी हो गए। दिन हो या रात, रूसी नेताओं से उच्च स्तरीय वार्ता चलती रही। कई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परामर्श हुआ, समाधान खोजे गए। ये स्मरणीय यात्रा अब खत्म होने को है। दो महान राष्ट्रों में भाईचारे की भावना जागी। सोवियत नेताओं ने श्री नेहरू को 15,000 मील लंबी रूस यात्रा का एक नक्शा भेंट किया। वे रूस के प्रधानमंत्री बुल्गानिन के साथ नक्शा देखकर इस महान यात्रा की जोशीली याद ताजा कर रहे हैं। पत्रकारों को मौका मिला, वे श्री नेहरू से मिले। कई विदेशी संवाददाता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया कि मार्शल बुल्गानिन ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विशाल डायनेमो स्टेडियम। 80,000 मॉस्को निवासी श्री नेहरू का विराट नागरिक सम्मान करने के लिए जमा हैं। रास्ते भर फूलों से स्वागत होता रहा। पूरा स्टेडियम हर्षद ध्वनि से गूंज उठा। उपस्थित लोगों में मार्शल बुल्गानिन और दूसरे रूसी नेता हैं। मार्शल बुल्गानिन ने अपने स्वागत भाषण में भारत और उसके प्रधानमंत्री के निरंतर शांति प्रयत्नों की बहुत प्रशंसा की। श्री नेहरू ने हिंदी में बोलते हुए रूसी जनता के शांति प्रेम की प्रशंसा की। मैं जहाँ जहाँ इस देश में गया वहाँ मैंने देखा कि शांति को कितना पसंद करते हैं लोग, कितना उनको शांति के लिए उत्साह है और जोश है। इस देख के मुझे खुशी हुई। मैं आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन में दोस्ती बढ़े, सहयोग बढ़े और दुनिया के देशों में भी बढ़े इसी तरह से। यह भव्य स्वागत समारोह खेलकूद और व्यायाम प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। मॉस्को नगर में अंतिम कार्यक्रम है क्रेमलिन का एक संक्षिप्त समारोह। भारत और रूस के प्रधानमंत्रियों ने एक सम्मिलित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने देश की ओर से सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया।
पंचशील का सिद्धांत एशिया से यूरोप पहुंचा, राष्ट्रों के आपसी तनावों को दूर करता हुआ, शांति का क्षेत्र बढ़ाता हुआ, सफल आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के नए रास्ते खोलता हुआ, लोगों में भाईचारे की भावना जागृत करता हुआ।